Hello, friends, welcome to my channel Smita Classes once again. Today I will be dealing with the SST book of standard 3. The name of the book is Our Social Environment, and uh, it would be the 12th chapter that we would be reading. The name of the 12th chapter is How We Travel. Travel, the movement of people from one place to another is called travel. People travel for different reasons to look for work at other places.

अगर सुबह एक बच्चा घर से निकल के स्कूल जा रहा है तो ही हैज़ ट्रैवल टू स्कूल है ना तो जब लोग एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं तो उसे ट्रैवल करना कहते हैं अब लोग अलग अलग रीज़न से अलग अलग कारणों से ट्रैवल करते हैं ठीक है दूसरी जगह पे काम धंधे की तलाश में कि कोई दूसरा काम दूसरी जगह पे अच्छा मिलेगा इसके लिए वो लोग ट्रैवल करते हैं या उनका घर यहाँ है और अपने ऑफिस तक जाना है इसके लिए ट्रैवल करते हैं ठीक है अपने रिलेटिव और फ्रेंड्स से मिलने जाते हैं जो कि दूर दूर जगहों पर रहते हैं या फिर वो लोग वर्ल्ड टूर करते हैं या अपने ही कंट्री के अलग अलग स्टेट्स में घूमने जाते हैं ताकि वो लोग जानना चाहते हैं कि वहाँ के जो लोग रह रहे हैं वो लोग किस तरह का लाइफ फॉलो कर रहे हैं उसको स्टडी करने के लिए या अलग अलग जगह की ब्यूटी को देखने के लिए है ना कि जो नेचुरल ब्यूटी है कैसे सुंदर नेचुरल ब्यूटी है नेचर uh, की उसे देखने के लिए इधर उधर लोग घूमते हैं और मजे करने के लिए घूमते हैं मीन्स ऑफ़ ट्रांसपोर्ट टू ट्रैवल वी यूज डिफरेंट व्हीकल्स और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस द व्हीकल्स वी यूज डिपेंड ऑन हाउ फार और हाउ नियर वी हैव टू ट्रेवल एंड हाउ मच मनी वी कैन स्पेंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ मच टाइम वी कैन एफोर्ड टू वी हैव व्हीकल्स द ट्रेवल ऑन लैंड वाटर एंड इन एयर दीज डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हेल्प अस टू ट्रैवल क्विकली दे मेक लाइफ ईजी फॉर अस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट द मीन्स बाई विच पीपल एंड गुड्स आर कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आर कॉल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है यानि यातायात के साधन है न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब है यातायात के साधन ठीक है जिन तरीकों से जिन चीज़ों की मदद से लोग और सामान जो हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाए जाते हैं ठीक है थीके? उन्हें कैरी करके उन्हें ढोकर लोगों को और सामानों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा जाता है उसे कहते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ठीक है अब हम लोग ट्रैवल करने के लिए बहुत अलग अलग तरह के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को यातायात -यात के साधनों को हम लोग यूज़ करते हैं हमारे कन्वीनियंस के अनुसार हमारी सुविधा के अनुसार ठीक है जो व्हीकल हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो डिपेंड करता है कि हमें कितनी दूर जाना है या कितनी नज़दीक जाना है और हम कितने पैसे खर्च कर सकते हैं जैसे मुझे मान लीजिए यहाँ से दिल्ली जाना है ट्रेन से तो मैं ट्रेन से चली जाऊँगी नेचुरली बस कार से तो इतनी दूर का डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाऊँगी तो मैं ट्रेन से चली जाऊँगी और अगर कोई है जो बहुत ज़्यादा एफोर्ड कर सकता है पैसे ज़्यादा है तो वो क्या करेगा वो प्लेन लेगा वो प्लेन से चला जाएगा ठीक है तो डिपेंड करता है कि हमें कितनी दूर जाना है कितने नज़दीक जाना है और कितने पैसे हम खर्च कर सकते हैं अब मुझे यहाँ से मार्केट ही जाना है तो मैं थोड़ी ट्रेन से जाऊँगी यहाँ से मार्केट तो मैं अपने टू व्हीलर से जाऊँगी या फोर व्हीलर से जाऊँगी ठीक है अच्छा और इस बात पे भी डिपेंड करता है कि कोई कितना टाइम अफोर्ड कर सकता है मुझे अगर बहुत जल्दी पहुंचना है दिल्ली पहुंचने की बहुत हड़बड़ी है और मेरे पास पैसे भी हैं तो मैं भी ट्राई करूँगी चलो मैं प्लेन से फटाफट पहुंच जाऊं ठीक है आज के समय में ऐसे यातायात के साधन हैं जो कि ज़मीन पे भी चलते हैं पानी पर भी चलते हैं हवा में भी चलते हैं ठीक है यह अलग यातायात के साधन जो है हमारे मूवमेंट को क्विक बनाते हैं फास्ट बनाते हैं और ईज़ी बना तो ये जो अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं यातायात के अलग अलग तरीके जो हैं वो हमारे जीव हम लोग को क्विकली ट्रैवल करने में मदद करते हैं जल्दी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं और हमारे जीवन को हमारे लिए आसान बना दिया है उसने ठीक है अब पहले हम लोग पढ़ेंगे पहले लैंड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स मूविंग ऑन रोड्स एंड ट्रैक्स Land transport vehicles moving on roads and tracks. Animals are still used as means of transport in some areas. In hilly areas, ponies and mules are used to carry goods and people. In desert, camels are used. A camel is called the ship of the desert. Elephants are used to carry logs and people in thick forests. Almost every form of land vehicle we use today has wheels. These wheels are made of steel and rubber. Some animal drawn carts have modern wheels. Animal drawn carts are a major means of transport in villages. कार्ट्स में भी पोल्ड बाईन हॉर्सेस एक्सेट्रा सेकंड इज एमन पावर्ड मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट ए फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन एंड ए स्पोर्ट और हम लोग लैंड ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे कि कौन सी चीज़ों से जो है हम लोग जमीन में एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं ऐसा गाड़ियाँ ऐसी गाड़ियाँ जो कि जो है रोड्स पर चल रही हैं ट्रैक्स पे चल रही हैं मतलब की जो लैंड पे चल रही हैं ऐसी गाड़ियाँ ठीक है पहले के समय में जब मनुष्य ने व्हील की डिस्कवरी नहीं की थी चक्के की डिस्कवरी नहीं की थी तो उस समय वो क्या करते थे एनिमल्स पे ही बैठ के एक जगह से दूसरे जगह जाते थे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अभी भी कुछ कुछ एरियाज़ में एनिमल्स को यूज़ किया जा रहा है एनिमल के पीछे एक गाड़ी लगा दी जाती है चक्के वाली गाड़ी और उसमें लोग बैठ के जाते हैं कुछ कुछ एरियाज़ में खासकर जो हिली एरियाज़ है जहाँ पे कि सिंपल फ्यूल वाली गाड़ी जो है पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी अच्छे से अगर नहीं चढ़ पाएगी रास्ता नहीं बना हुआ है पहाड़ों पे तो वहाँ पे किसको यूज़ करते हैं पोनीज़ और म्यूल्स को यूज़ करते हैं है, है ना घोड़े के छोटे बच्चों को और जो है गधों के बच्चों को उन सब के ऊपर बैठ के लोग इधर से उधर जाते हैं ताकि उनसे सामान उन, उन पर लोड करके और कई बार छोटे बच्चे या बड़े लोग भी उस पर बैठ के एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं वहाँ पर पहाड़ी एरियो में डेजर्ट्स में कौन किस uh, जानवर को यूज करते हैं तो डेजर्ट्स में कैमल्स को यूज करते हैं कैमल को क्या बोलते हैं शिप ऑफ द डेजर्ट बोलते हैं ना रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं कैमल को ठीक है एलिफेंट्स एलिफेंट्स आर यूज टू कैरी लॉक्स एंड पीपल इन थिक फॉरेस्ट जहाँ घने जंगल हैं जहाँ पे लकड़ियों के बड़े बड़े गट्ठरों को इधर से उधर पहुँचाना है और लोगों को जाना है इतने घने जंगल है कि वहाँ गाड़ियाँ नहीं चल सकती वहाँ पे हाथियों की मदद ली जाती है ठीक है तो आज के समय में जो भी लैंड व्हीकल हम लोग यूज़ कर रहे हैं ठीक है ज़मीन पे चलने वाली जो भी गाड़ियाँ हम यूज़ कर रहे हैं उन सब में व्हील्स लगे हुए हैं ठीक है थीके? ये व्हील्स क्या चीज़ के बने रहते हैं स्टील के रबर के और कोई कोई गाड़ियों में वो व्हील्स जो है लकड़ी के भी बने रहते हैं ठीक है खासकर कैसे गाड़ियों में जिनको जानवर खींचते हैं जैसे कि टांगा हो टोंगा जो होता है जिसे घोड़ा खींचता है या बैलगाड़ी हो जिसे ऑक्स खींचते हैं उनके जो चक्के होते हैं वो लकड़ी के बने रहते हैं और नॉर्मली बाकी जो टू व्हीलर्स फोर फोर व्हीलर्स होते हैं उनके चक्के किससे बने रहते हैं स्टील और रबर से बने रहते हैं गाँव में है ना ज़्यादा मेन ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है एनिमल ड्रॉन कार्ट्स एनिमल्स लोग जो है जिन एनिमल के द्वारा खींची गई जो गाड़ियाँ होती हैं वो ही ज़्यादा गांव में लोग यूज़ करते हैं बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी कैमल गाड़ी ये सबको ज़्यादा गांव में सब में यूज़ करते हैं इनको ऑक्स या हॉर्स उनको खींचते हैं साइकिलिंग जो है वो ह्यूमन पावर्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है मतलब उसे मनुष्य ने बनाया है ह्यूमन बींग्स ने बनाया है साइकिल को और ह्यूमन पावर्ड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो मैनुअली चलता है उसमें कोई फ्यूल नहीं डालना पड़ता है लोग अपने पैरों से उसे चलाते हैं ठीक है ह्यूमन तो के पावर से ही चलते हैं और साइकिलिंग जो है साइकिल चलाना जो है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन एंड अ स्पोर्ट वो बहुत मतलब लोग खुशी से भी चलाते हैं थोड़ा एक हॉबी के रूप में चलाते हैं रिक्रिएशन इसीलिए उसे कह रहे हैं कि एक हॉबी के रूप में लोग साइकिलिंग करते हैं खुशी खुशी और एक्सपोर्ट भी है खेल भी है एक एक तरह का क्योंकि साइकिलिंग रेसेस भी होती हैं और एक्सरसाइज करने के लिए भी लोग यूज़ करते हैं स्कूटर मोटरसाइकिल कार बस बसेस कार्स, स्कूटर्स मोटरसाइकिल ट्रेन एंड ट्रक्स आर द चीफ इंजन पावर्ड लैंड व्हीकल्स टुडे दर इज़ अ वास्ट नेटवर्क ऑफ रोड्स ऑल ओवर इंडिया National highways are major roads that connect different cities all over the country. State highways are roads that link important towns and cities within that state. Trains carry lakhs of passengers and goods every day. All trains travel along a permanent route using steel rails or tracks. Today, the trains are pulled by diesel engines or electric engines. India has the largest railway network in Asia and fourth largest in the world. Railways link almost all towns and cities in India. Now, जो लैंड पे चलने वाली गाड़ियाँ हैं उसमें क्या लगा रहता है इंजन लगा रहता है और वही इंजन उन्हें पावर देता है ज़मीन पे चलने के लिए हाँ उसमें हम लोग जो फ्यूल है डाल देंगे पेट्रोल डीजल और वो इंजन उन्हें पावर देता है कि वो ज़मीन पे चलेंगे ठीक है तो मेन कौन सी गाड़ियाँ हैं जो इंजन पावर्ड व्हीकल्स है लैंड व्हीकल उनमें बसेस हैं कार्स है स्कूटर्स है मोटरसाइकल्स है ट्रेन्स भी है जिनमें इंजन लगे रहते हैं और ट्रक्स ये सब इंजन पावर्ड लैंड व्हीकल्स है ठीक है आज के समय में जो है इंडिया में नेटवर्क ऑफ रोड्स है इंडिया में बहुत रोड्स बनाए गए हैं हर सिटी को एक दूसरे से जोड़ने के लिए हर स्टेट को एक दूसरे से जोड़ने के लिए नेटवर्क ऑफ रोड्स है बहुत रोड्स है इंडिया में तो जो है इनमें एक तरह का रोड्स है नेशनल हाईवे जो कि जो है अलग अलग सिटीज़ को एक दूसरे से कनेक्ट करता है वह है नैशनल हाईवेज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनका नंबरिंग होता है नेशनल हाईवे सेवेंटीन एटीन सिक्सटीन ऐसे नंबरिंग भी होता है जो मेजर सिटीज़ को आपके अपने स्टेट में दो दो बड़े बड़े जो सिटी होंगे उनको वो कनेक्ट करता है तो नेशनल हाईवेज़ जो है वो एक स्टेट के दूसरे स्टेट के भी बड़े बड़े सिटीज़ को कनेक्ट करता है ठीक है अब दूसरा एक और क्या है स्टेट हाईवेज़ है ठीक है वो ऐसा रोड्स है जो कि इम्पोर्टेंट टाउन्स और सिटीज़ को विद इन दैट स्टेट एक स्टेट के भीतर ही जो टाउन और सिटी होते हैं उनको जो कनेक्ट करता है वो स्टेट हाईवेज़ कहलाते हैं ठीक है यानी कि नेशनल हाईवेज़ जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट के रोड को कनेक्ट करेगा एक स्टेट के सिटी को दूसरे स्टेट के सिटी से यहाँ से मान लीजिए बॉम्बे कैलकटा के लिए जो रोड्स कनेक्टेड है हमारे स्टेट से तो वो कहलाएंगे नेशनल हाईवे और हमारे अपने स्टेट के भीतर हमारे स्टेट के कैपिटल से हमारे सिटी तक जो रोड कनेक्टेड है वो कहलाएगा स्टेट हाईवे ठीक है वो इम्पॉटेंट टाउन और सिटीज़ अपने स्टेट के भीतर के इंपॉर्टेंट टाउन्स और सिटीज़ को जो कनेक्ट करेंग करेगा वो है स्टेट हाईवेज़ अब जो है हर दिन ट्रेनस में हम लोग जानते हैं हमारे इंडिया में रेलवे नेटवर्क बहुत बड़ा है और ट्रेन्स बहुत सारे हैं और ट्रेन में हर दिन जो है लैक्स ऑफ पैसेंजर्स जो है और गुड्स इधर से उधर जाते हैं है ना बहुत हजार लाखों की संख्या में पैसेंजर बैठ के ट्रेन में इधर उधर जाते हैं ट्रेन का अपना परमानेंट रूट बनाया गया है किसकी मदद मतलब से रेलवे ट्रैक बनाया गया रेलवे की पटरियाँ बनाई गई हैं हम्म उसमें स्टील रेल्स यूज़ करते हैं उसमें पटरी का जो ऊंचा वाला जगह होता है वो स्टील का बना रहता है ना तो स्टील रेल्स उसमें यूज़ किया जाता है उससे उनका ट्रैक बनाया जाता है पहले के समय में जो ट्रेन के इंजन थे उनको कैसे वो कोयले को जला के स्टीम प्रोड्यूस किया जाता और वो स्टीम की मदद से वो चलते थे स्टीम उनको पावर देता तो स्टीम इंजन्स थे आज के समय में जो है डीजल इंजन उसके बाद आए डीज़ल डालते थे और वो इंजन कुछ आगे बढ़ाता था अब जो है अब हर जगह जो है इलेक्ट्रिक इंजन्स हो गए हैं ऑलमोस्ट नाइन्टी परसेंट ऑफ इंडिया में इलेक्ट्रिक इंजनस हो गए हैं जो कि है। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से जो है ट्रेनस एक जगह से दूसरी जगह पुल किए जाते हैं ठीक है अब पूरे एशिया कॉन्टिनेंट में जो है सबसे बड़ा रेलवे का नेटवर्क जो है सबसे ज़्यादा ट्रैक्स सबसे ज़्यादा रेलवेज कनेक्टेड एक दूसरे से सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क पूरे इंडिया में एशिया कॉन्टिनेंट में कहाँ है इंडिया में है और पूरे दुनिया में जो है दुनिया में और भी रेलवे नेटवर्क है ना तो पूरे दुनिया में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क कहाँ है इंडिया का रेलवे नेटवर्क किस पोजीशन पर आता है तो फोर्थ प्लेस पर आता है फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड पूरी दुनिया में फोर्थ प्लेस पे है और एशिया कॉन्टिनेंट के भीतर फर्स्ट प्लेस पे है इंडिया का अपना रेलवे नेटवर्क ठीक है रेलवेज़ जो है ऑलमोस्ट हर टाउन और सिटीज़ को कनेक्ट करते हैं क्योंकि रेलवे ट्रेन जब चलती बहुत सारे स्टेशन आते हैं ना तो ऑलमोस्ट हर टाउन और सिटी जितने इंडिया में है उन सबको वो कनेक्ट करते हैं ज़्यादातर उसको और एक्सपेंड किया जा रहा है We have passenger trains, express trains and superfast trains. Satabdi Express and Altani Express are among superfast trains. Duronto Express is the non-stop train running between the source and the destination states with no stoppage in between. There are goods trains which carry goods from one place to another. Some goods trains have tankers which carry petrol, chemicals etc. The metro rail is a modern mostly underground railway system. It is a quick and non-polluting means of transport. Metro rails provide a good means of local transport in some of the cities such as Kolkata, Delhi and Hyderabad. Metro carries people to places of work each day. They have earned a name as time saver and comfort provider. Metro is likely to be have to be started in many other cities. Now okay. we के जो भी ट्रेनस हैं इंडिया में किस तरह की ट्रेन है पैसेंजर ट्रेनस है जिसमें सीट बनी रहती है लोग बैठ के जाते हैं उसमें स्लीपर्स नहीं होता है स्लीपर क्लास नहीं लोग सो के नहीं जा सकते बस बैठ के जाएंगे पैसेंजर ट्रेनस है हम लोग का एक्सप्रेस ट्रेन है जो बहुत ही फास्ट जाती है और सुपर फास्ट ट्रेनस है जो और भी फास्ट जाएंगी ठीक है तो जो दो सुपर फास्ट ट्रेन हमारे कंट्री की जो मेन दो सुपर फास्ट ट्रेन है वो क्या है एक शताब्दी एक्सप्रेस है और एक राजधानी एक्सप्रेस है है ना राजधानी एक्सप्रेस आपने देखा होगा कई लोग दिल्ली जाते हैं राजधानी एक्सप्रेस से कनेक्ट करता है दिल्ली को शताब्दी एक्सप्रेस कलकटा से भी निकलता है तो शताब्दी एक्सप्रेस और राजधानी एक्सप्रेस जो है वो दो सुपर फास्ट ट्रेनस है इसी तरह एक ऐसा ट्रेन भी है जो कि एक नॉन स्टॉप ट्रेन है मतलब वो किसी भी स्टेशन पे रुकता नहीं है वो जो है एकदम जहाँ से वो स्टार्ट किया सोर्स उसका और जहाँ वो लास्ट में जा रुकेगा डेस्टिनेशन उसका जो है उसकी जो मंजिल है ठीक है तो सोर्स और डेस्टिनेशन स्टेशन के बीच में वह दौड़ता है और बीच में नो स्टॉपेज स्टेशन है किसी भी स्टेशन पे वह नहीं रुकेगा उस ट्रेन का नाम क्या है डुरानटो एक्सप्रेस है बहुत सारे सामान ले जाने वाली ट्रेन भी है जिन्हें गुड्स ट्रेन कहते हैं जो कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं आपने देखा होगा बहुत सारे गुड्स ट्रेन जो है उनमें बड़े बड़े टैंकर भी लगे रहते हैं क्यों क्योंकि उस टैंकर्स में केमिकल्स जाता है एक दूसरे जगह से दूसरी जगह पेट्रोल डीजल ये सब जाता है एक जगह से दूसरी जगह से, टैंकर के थ्रू ठीक है ये सब गुड्स ट्रेन है इसमें लोग बैठ के सफ़र नहीं करते हैं ठीक है अब एक नया तरह का ट्रेन इंडिया में बहुत सारी जगह पर होने लगा है वो है मेट्रो रेल सिस्टम ठीक है ये मॉडर्न सिस्टम है और मोस्टली अंडरग्राउंड है ज़्यादातर इसे ज़मीन के नीचे ही बनाया जा रहा है ऑल दो डेली में इसे ज़मीन के ऊपर एक जो बोलते हैं नहीं है ओवरफ्लाई जो बोलते हैं ऊपर जमीन के ऊपर एक पिलर कनेक्ट कर पिलर कर, कंस्ट्रक्ट हाँ, करके ज़मीन के ऊपर उससे चलाया जा रहा है पूरा उसका ट्रैक बनाया गया है और उसे ऊपर चलाया जा रहा है ठीक है तो जो है मेट्रो रेल जो है वो बहुत ही अच्छा है नॉन पॉल्यूटिंग है उससे कुछ धुआँ तो नहीं निकलता है नेचुरली इलेक्ट्रिसिटी से चलता है और वो क्विक भी है फास्ट भी है और बहुत अच्छा है और मेट्रो ट्रेन जो है उसके भीतर ए भी लगा रहता है और जो है वो बहुत ही फास्ट चलता है तुरंत तुरंत में आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा तो ज़्यादातर मेट्रो रेल्स को जो है लोकल ट्रांसपोर्ट के रूप में यूज़ किया जाता है ठीक है कि लोगों को यहाँ बैठ के एक घंटे दोनों उनका वर्किंग प्लेस है तो सब लोग उसी ट्रेन में बैठ के चले जाते हैं मेट्रो रेल अपने अपने रूट पे चलता रहेगा जो जिसको जहाँ जहाँ उतरना है वो वहाँ उतरता जाता है मेट्रो रेल बहुत ही फास्ट है कंफर्टेबल है और बहुत सारे पैसेंजर्स को एक बार में दूसरी जगह ले जा रहा है और बहुत आराम से लोग जाते हैं मेट्रो ट्रेन में और ये एक लोकल ट्रांसपोर्ट का ये बहुत अच्छा मीडियम है लो, जैसे सिटीज़ हैं कोलकाता दिल्ली, हैदराबाद ये सब जगह पे मेट्रो रेल्स चल रहा है और बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ लोगों को अपने काम की जगह पे ये डेली लेके जाता है लोग जैसे ऑटो में बैठ के डेली जाएंगे बसेस में लोकल बसेस में बैठ के जाएंगे उसी तरह मेट्रो रेल को यूज़ करते हैं उनका बहुत नाम है मेट्रो रेल का क्योंकि वो बहुत ही कंफर्ट देते हैं बहुत लोग आराम से बैठ के जाते हैं कंफर्टेबल होता है और टाइम सेवर होता है बहुत जल्दी क्योंकि वो किसी तरह के ट्रैफिक जाम में फंसता नहीं है जैसे आप ऑटो टैक्सी से जाएंगे तो आप ट्रैफिक में फंस जाएंगे पर मेट्रो रेल में कोई ट्रैफिक नहीं वो अपने ट्रैक पर चलेगा उसके ट्रैक पर तो दूसरी गाड़ियाँ चलेंगी नहीं तो वो टाइम सेवर है लोगों को टाइम की बहुत ज़रूरत है तो वो टाइम बचाता है मेट्रो जल्दी ही पहले तो दिल्ली कैलकाटा और जो है महाराष्ट्र इम्पोर्टेंट जगहों पे था है ना कोलकाता दिल्ली हैदराबाद ये तीन जगहों पे था अभी जो है मेट्रो ट्रेन जो है अलग अलग जगहों पे भी बन रहा है अलग अलग गुजरात में भी बन रहा है बहुत सारे जगहों पे बन रहा है तो ये हम लोगों ने लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में टोटली सब कुछ पढ़ लिया है कि कौन से जो है लैंड पे चलने वाला ट्रेन स्कूटर बस ट्रक ये सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे सब के बारे में पढ़ा ये भी जाना कि इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है और एशिया में फर्स्ट लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है अब हम लोग वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स मूविंग ऑन वाटर वाटर ट्रांसपोर्ट डिपेंड्स मेनली ऑन बोट्स एंड स्टीमर्स एंड शिप्स People use boats mainly on rivers, canals, and lakes. Ships are larger vessels and suitable for sea travel. Water travel is slow as compared to land and air travel, but ships can carry large quantities of goods. Ships are used to transport huge quantities of grains, big and heavy machines, and other goods to other countries. There are special ships called ocean liners, which carry passengers across the seas from one country to another. The place where ships are loaded and unloaded is known as a port. और वाटर ट्रांसपोर्ट मतलब ऐसी गाड़ियाँ जो कि पानी पे चलती हैं ठीक है थीके? तो हम लोग जानते हैं पानी पे चलने वाली मेनली जो गाड़ियाँ हैं जो याताया वाटर ट्रांसपोर्ट के है ना वाटर के यातायात पानी के यातायात के साधन क्या क्या हैं तो बोट्स है नाव हैं स्टीमर्स है छोटे बोट से थोड़े बड़े वाले नाव हैं और शिप है जो कि बहुत ही बड़े बड़े होते हैं ठीक है थीके? पानी के जहाज़ उन्हें कहते हैं तो बोट है नाव है स्टीमर्स है और शिप्स है आ? जो थोड़े थोड़े एक नदी को क्रॉस करना है तो लोग उसमें मेनली रिवर है छोटा रिवर है कैनाल है एक लेक है तालाब है है ना तो उसको क्रॉस करने के लिए लोग जनरली किसका यूज़ करते हैं बोट्स का यूज़ करते हैं जो कि से ही चलाते हैं तो मोटर का भी ज़रूरत नहीं है हाथ से चला चला के बोट को से वो लोग क्रॉस कर जाएंगे अब जब है कि मान लीजिए सी में लोगों को जाना है थोड़े से दूर में एक नज़दीक में एक आइलैंड है उसको विजिट करने जाना है तो बहुत सारे वह सब जगह पे स्टीमर्स होते हैं है ना जो लोगों को बैठा के ले जाएगा डीजल से चलता है तुरंत इंजन स्टार्ट कर देगा लोगों को पहुँचा के फिर वापस आएगा फिर सेकेंड ट्रिप लेगा तो वो सब स्टीमर्स कहलाता है ठीक है अब जो पानी के जहाज़ हैं वो बहुत ही बड़े बड़े जहाज़ होते हैं बड़े बड़े व्हीकल्स हैं वो और वो समुद्र में बहुत दूर दूर कंट्रीज़ में जाने के लिए वो बिल्कुल सही है ठीक है ऑल्दो आप आ, हवाई जहाज़ के जा थ्रू जाएँ या जमीन में आप मेट्रो ट्रेन के थ्रू या ट्रेन के थ्रू जाए उससे स्लोली चलेगा शिप शिप स्लोली चलता है पर उसका एक एडवांटेज क्या है कि शिप्स में बहुत सारे गुड्स एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाए जा सकते हैं ये जो बड़े बड़े कार होते हैं स्कूटर्स टू व्हीलर्स ये सब सब शिप पे ही लोड करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं ठीक है तो जब और भी शिप्स क्या क्या यूज़ होते हैं यूज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स जब बहुत सारे फूड ग्रेन्स को एक कंट्री से दूसरे कंट्री पहुँचाना है या एक एरिया से दूसरे एरिया जगह पहुँचाना है बड़े बड़े मशीन्स को भारी और बड़े मशीन्स को बिग एंड हैवी मशीन्स को और दूसरे सामानों को एक कंट्री से दूसरे कंट्री पहुँचाना मेनली जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो ट्रेड होता है ना व्यापार जो होता है बिज़नेस होता है दो कंट्री के बीच में उसमें शिप्स को वो लोग यूज़ करते हैं ठीक है अब कुछ कुछ स्पेशल शिप भी होते हैं जिन्हें कहते हैं ओशन लाइनर्स कहते हैं हाँ महासागर के लाइनर्स ओशन लाइनर्स कहते हैं उसमें पैसेंजर बैठ के जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह कुछ शिप्स में तो गुड्स जाते हैं कुछ में पैसेंजर बैठ के एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हैं वो शिप्स बहुत कॉस्टली होते हैं वो बहुत पैसे भी लेते हैं पर उसमें लोगों के सारे आराम का सुख सुविधा का ध्यान रखा जाता है और उसमें लोगों को बैठा के एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जाता है ठीक है अब है कि देखिए शिप पहुँच तो गया समुद्र के पास पर समुद्र के पास उसको तो कहीं भी रोका नहीं जा सकता है उसके लिए स्पेशल वहाँ अरेंजमेंट किया जाता है जहाँ पे शिप के को जो है अटका कर उस जगह पर रोका जाता है शिप को एंकर डाल के रोका जाता है या बोट्स को भी ताकि वो वहाँ शोर पे रुक पाए ये नहीं कि पानी के लहर के साथ वो वापस बहता हुआ चला जाए इसलिए स्पेशल अरेंजमेंट किया जाता है तो जिस जगह पे ऐसे ऐसे अरेंजमेंट होते हैं उन्हें पोर्ट्स कहते हैं सी पोर्ट या फिर बंदरगाह कहते हैं क्योंकि कहीं भी शिप को नहीं रोकते हैं जहाँ उसके लिए अरेंजमेंट होता है वहीं रोका जाता है सी पोर्ट उन्हें कहते हैं या बंदरगाह कहते हैं और वहीं पे सारे अरेंजमेंट होते हैं कि सामान अनलोड किया गया वहाँ पे ट्रक आ पाते हैं और सामान को लेके चले जाते हैं ठीक है गुड्स को लोड अनलोड किया जाता है एयर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स मूविंग इन द एयर एयर ट्रांसपोर्ट डिपेंड्स ऑन एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स एरोप्लेन्स आर द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बिग एरोप्लेन्स कैरिंग पैसेंजर्स अर अदर गुड्स and their goods can move 800 to 1000 kilometers per hour helicopters are smaller than aeroplanes they cannot carry a large number of passengers as the aeroplanes can aeroplanes take off from airports the largest passenger airliner in the world is the A380 airbus it is a double deck wide body four engine airliner it can carry 853 passengers gliders and hot air balloons are also come under air transport but they are यूज मेनली फॉर रिक्रिएशन नाउ पीपल कैन ट्रेवल इन टू स्पेस इन स्पेस क्राफ्ट राकेश शर्मा ऑफ इंडिया एंड कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स ऑफ इंडियन ओरिजिन हैव ट्रैवल्ड इन टू स्पेस अब जो है एयर ट्रांसपोर्ट की बात आ जाए तो एयर ट्रांसपोर्ट मतलब ऐसी गाड़ियाँ जो कि हवा में चलती हैं तो मेनली हम लोग तो दो जानते हैं एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स और एक तीसरा क्या है स्पेस क्राफ्ट है तो हेलीकॉप्टर्स जो एरोप्लेन्स जो हैं वो दुनिया के सबसे फास्ट चलने वाली गाड़ी है ना फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फास्ट सबसे फास्ट यातायात का साधन क्या है वह है एरोप्लेन ठीक है बड़े बड़े जो एरोप्लेन होते हैं उनमें बहुत सारे पैसेंजर्स जाते हैं और सामान भी जाता है गुड्स जाता है उनकी स्पीड इतनी होती है कि वो थाउजेंड किलोमीटर्स एक घंटे में कवर कर लेते हैं या एट हंड्रेड किलोमीटर्स एक घंटे में कवर कर लेते हैं जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं वो प्लेन से छोटे होते हैं एरोप्लेन से छोटे होते हैं उसमें एट नाइन टेन अराउंड टेन पैसेंजर्स को लोग बैठा पाते हैं हेलीकॉप्टर्स फिर भी हेलीकॉप्टर्स भी लोग क्यों यूज़ करते हैं क्योंकि हेलीकॉप्टर्स को आप किसी भी बड़े फील्ड में आप उसको लैंड कर सकते हैं पर एयरपोर्ट को लैंड और टेक ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट की ही ज़रूरत होती है एयर एरोप्लेंस को आप कहीं से भी लैंड या टेक ऑफ नहीं कर सकते हैं हेलीकॉप्टर का क्या डिसएडवांटेज़ है उसमें बहुत सारे पैसेंजर नहीं जा सकेंगे बहुत सारा गुड्स नहीं जा सकेगा जैसे कि एरोप्लेन में जाता है सबसे बड़ा एरोप्लेन जो है एयरलाइनर जो है वर्ल्ड का वो है ए थ्री एट्टी है थ्री ए थ्री एट्टी एयरबस उसका नाम है वो डबल डेक है यानी दो लेयर में उसमें लोगों को बैठाया जाता है डबल डेक है वाइड बॉडी है बहुत ही चौड़ा उसका बॉडी है बहुत ही नैरो नहीं है बहुत बड़ा सा उसका बॉडी है और उसमें फोर इंजन्स लगे हुए हैं उसमें एक बार में वह 853 पैसेंजर्स को लेके जा सकता है ठीक है और भी हवा में उड़ने के साधन क्या हैं ग्लाइडर है और क्या है हॉट एयर बैलून है ठीक है जो कि एयर ट्रांसपोर्ट में आते हैं हाँ ग्लाइडर क्या होता है एक आप कह सकते हैं एरोप्लेन जैसे ही शेप का होता है हल्का बहुत और उसे जो है ऊपर ऊपर पहाड़ी के ऊपर ले जाया जाता है उस पर आप ह्यूमंस अपने आप को बांध देंगे और फिर जोर से दौड़ते हैं जहाँ पहाड़ी का एंड आता है वहाँ से फिर वह उड़ने लगता है कुछ देर तक उड़ के फिर वह धीरे धीरे नीचे आ जाता है है ना तो ग्लाइडर है इसी तरह हॉट एयर बैलून होते हैं ना बड़े बड़े बैलून होते हैं जिसमें नीचे टोकरी जैसा लगा रहता है जिसमें लोग बैठ सकेंगे और उसमें वो लोग आग जलाते हैं नीचे से तो जैसे जैसे वाम एयर ऊपर राइस करेगा तो हॉट एयर बैलून भी ऊपर जाता है हमने देखा है बहुत सारे वीडियोस में ना कि फॉरेन कंट्रीज़ में हॉट एयर बैलून बहुत सारे होटल्स वाले प्रोवाइड करते हैं रिक्रिएशन के लिए खासकर वो सब एरियाज़ में जहाँ पे सन से सनराइज बहुत सुंदर होता है और ओपन और खाली एरिया है वहाँ पे होटल्स वाले अपने टूरिस्ट लोग को हॉट एयर बैलून का का मज़ा लेने के लिए देते हैं उसमें टिकट्स लगाता है और थोड़ी देर तक वह ऊपर उड़ सकते हैं हॉट एयर बैलून की मदद से ठीक है तो सब रिक्रिएशन के लिए होता है मज़े के लिए किया जाता है उनको ऐसे एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए यूज़ नहीं किया जाता है ग्लाइडर और हॉट एयर बैलून को क्योंकि उसमें बहुत सारा डेंजर फैक्टर्स भी है ठीक है अब जो है लोग स्पेस भी जा पा रहे हैं स्पेस में बैठ के है ना स्पेस क्राफ्ट में बैठ के लोग स्पेस जा पा रहे हैं ऑल तो सब लोग नहीं जा सकते जो स्पेशली ट्रेंड है वो लोग ही जाते हैं तो हमारे कंट्री से कौन कौन गए राकेश शर्मा थे वो गए थे स्पेस क्राफ्ट गए थे कल्पना चावला जो थी है ना एस्ट्रोनॉट थी कल्पना चावला सुनीता विलियम्स इंडियन औरिजिन के इंडिया इनके पेरेंट्स इंडियन इंडियन थे तो ये लोग भी जो है स्पेस क्राफ्ट में बैठ के ये लोग स्पेस में गए हैं ट्रैवल किए हैं लोग स्पेस में और बहुत जल्दी फ्यूचर में ऐसा समय भी आएगा जब नॉर्मल पब्लिक भी स्पेस में ट्रैवल कर सकेंगे ना स्पेस शटल के थ्रू वो टिकट देंगे स्पेस ट्रैवल करके आएंगे और दो स्पेस ट्रैवल इज नॉट सो इजी यू हैव टू गेट योर सब ट्रेंड क्योंकि आप ग्रेविटी के अगेंस्ट आप ऊपर स्पेस पे जाएंगे घूमने के लिए आपके बॉडी को उस हिसाब से एडजस्ट करने के लिए ट्रेनिंग लेना पड़ेगा ठीक है तो ये सारे जो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमने पढ़ लिए बहुत अच्छे थे ये सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आप सबको ये सब का नॉलेज भी था काफ़ी है ना पहले से भी लोगों को पता है इन सिटीज़ मूवमेंट ऑफ बुलेट कार्ड एज वेल एज स्लो मूविंग व्हीकल्स आर बैंड ऑन बिजी रोड्स कुछ कुछ जो सिटीज़ होते हैं बहुत बिजी सिटीज होते हैं जहाँ बहुत ट्रैफिक होती है वहाँ पे बुलक काट या स्लो स्लो चलने वाली गाड़ियों को बैन कर दिया जाता है बोलते नहीं आप इस रोड पे एनिमल्स के द्वारा खींची हुई मतलब बैल गाड़ियों को या स्लो करने वाली गाड़ियों को आप नहीं चला सकते क्योंकि लोग स्पीड में उस रोड्स पर जाते हैं अब इंडिया का जो कैपिटल है नेशनल कैपिटल जो है दिल्ली वो लार्जेस्ट सी एन जी बेस्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है सी एन जी क्या है कॉम्प्रेस नेचुरल गैस होता है जैसे जिस तरह हम लोग पेट्रोल और डीजल से अपनी गाड़ियों को चलाते हैं उसी तरह कॉम्प्रेस नेचुरल गैस की मदद से चलाया जाता है गाड़ियों को जो कि पोल्यूशन कम क्रिएट करता है तो चूँकि दिल्ली वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ ऑफ़ द वर्ल्ड है तो वहाँ पोल्यूशन कम करने के लिए सी एन जी को गाड़ियों में डाला जा रहा है इस तरह के स्पेशल बसेज लाई गई हैं सी एन जी बसेज लाई गई हैं ताकि पोल्यूशन को कम किया जाए बहुत जल्दी ही हम लोग के सारे एरियाज़ में क्या होगा बैटरी वाली गाड़ियाँ आ जाएंगी ताकि टोटली पोल्यूशन वर्ल्ड से खत्म हो जाएगा इसके साथ ही आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया इजी लेसन था क्यों पर बहुत ही इन्फॉर्मेशन वाला लेसन था बहुत है हम लोग को इससे इन्फॉर्मेशन मिला कि हाउ वी ट्रैवल हम लोग किस तरह से ट्रैवल करते हैं ये सब कुछ मिला ये आपका लेसन ट्वेल्थ था जल्दी हम लोग नए लेसन के साथ फिर से नए वीडियो में मिलेंगे थैंक यू